फैमिली ने आज गणपति जी को बिठाया। गणपति सब सर्वमान्य हैं, सभी जानते हैं। गणपति जब हम गम गणपति मंत्र जपते हैं तो गणपति हमारे अंदर एक सहन करने की शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, वो पैदा करते हैं। गणपति जो है रिद्धि सिद्धियों से सेवित रहते हैं और उनके जो पुत्र हैं शुभ लाभ, जब रिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त होती है तो रिद्धि सिद्धि से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और शुभ लाभ की प्राप्ति से आमोद और प्रमोद हमें मिलता है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को प्रमोदित होकर रहें, आनंद पूर्वक रहें। ये केवल गणपति का मंत्र जपने से ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और गणपति जी आप जानते ही हैं कि आप शिव के पुत्र हैं और पार्वती के पुत्र हैं। जहाँ शिव विश्वास, पार्वती श्रद्धा रहती है, वहाँ ये सब चीज़ें हमें स्वतः मिल जाती हैं। परंतु हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ होते हुए भी हम गणपति को पूजते हैं। परंतु मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ, गणपति को पूजने से हमारे अंदर सुनने की शक्ति पैदा होती है। और क्योंकि गणपति का जैसे आप चेहरा देखते हो, बड़े कान हैं, लंबी सूंड है, जब भी किसी भी चीज़ को अच्छी तरह निरखते हैं और परखते हैं, परखने के बाद उसको सेवन करते हैं। अगर जिंदगी में हम अपने गणपति को आराधित कर ले, अभी ये तो सभी को पता है जी गणपति मनाना चाहिए, गणपति मनाना चाहिए, सर्वप्रथम मनाना चाहिए। परंतु गणपति का अर्थ है कि गणपति को अपनी जिंदगी में सर्वप्रथम धारण करना, जिससे कोई बात जब हम सुनेंगे तभी हम उसको बोल सकते हैं। इतना याद रखना, सुनना, जिसने सुनना सीख लिया, जिसको सुनने की शक्ति आ गई, उसके पास सभी शक्तियाँ विद्यमान होती है। जब हम पढ़ते हैं, मास्टरों से सुना, माता पिता से सुना, बड़े बुजुर्गों से सुना, जिन्होंने सुना वो कामयाब हो गया और जिन्होंने नहीं सुना वो नाकामयाब हो गया। थोड़ा सा ही फर्क है। सुनने से क्या होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। हमने माँ बाप को सुना, अपने गुरुजनों को सुना, अपने आचार्यों को सुना, अपने पंडितों को सुना। जो सुनने वाला है वही कुछ कर सकता है, उसी को ज्ञान होता है। तो आज गणपति का दिवस है, गणपति को अपनी जिंदगी में धारण करें। जब गणपति आपकी जिंदगी में आ जाएंगे तो रिद्धियां सिद्धियां जो उनकी पत्नियां हैं वो आपके साथ रहने लग जाएंगी। रिद्धि सिद्धि मतलब हर एक चीज की फैसिलिटी। और उनके जो पुत्र हैं शुभ लाभ, लाभ कई तरह के होते हैं, इल्लीगल लाभ भी होते हैं कि हमने कोई स्मगलिंग करी, हमारे पर पैसा आ गया, परंतु नहीं, गणपति के जो पुत्र होते हैं वो शुभ लाभ है। शुभ लाभ से जब आपके पास शुभ लाभ आ गया तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। गवर्नमेंट जहां से मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, अब अगर शुभ लाभ नहीं आया तो हमें चिंता रहती है। तो गणपति के आने से अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में 10 दिन तक गणपति बिठाने का नियम है। 10 दिन तक हम अपने गणपति को दुख सुख सुनाते हैं, रोज उसकी आराधना करते हैं। और गणपति जो हमारे गणपति दुख हरता और सुख करता है, वो हमारे दुखों का नाश करते हैं और सुखों को हमें देके जाते हैं। ये हर साल गणपति विसर्जन होता है और इसी भावना से होता है कि जो हमारी कमेटी है, जो हमारे समाज है, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सुखपूर्वक रहें और उनके दुखों का नाश हो। प्रिय गणपति महाराज की आज जो है सतपाल जी की तरफ से इन्होंने गणपति जी का आराधन किया है और आप इनके सगे संबंधी हो, आप आए हो, तो सभी गणपति का तालियों द्वारा, धन द्वारा, वाणी द्वारा,
जिस तरह भी आप इनकी सेवा करना चाहते हो, जो आपके पास चीज है सेवा करो। सेवा करने से गणपति प्रसन्न होंगे और सतपाल जी का तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि इन्होंने गणपति जी ऐसे नहीं बिठाए जाते कि मैं सोचूं गणपति मैंने कल बिठाना है तो मैंने बिठा लिया। ये बड़ी भाग्य से समय मिलता है, प्रेरणा होती है, प्रेरणा हमें हुई, मैंने सतपाल जी से बात करी, सतपाल जी करे जो जो प्रभु की इच्छा, उन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि क्या होगा कैसे होगा, उन्होंने कहा जो तुम कहते हो पंडित जी वो होगा। तो ये सब प्रेरणा सतपाल जी को मिली और सतपाल जी ने आज का दिन रखा। और आप सब सगे संबंधी हो, भाई बंधु हो, दोस्त हो, मित्रगण हो, तो मित्रगणों को भी आप इसमें आमंत्रित किया गया है, तो हम सब गणपति का आराधन करेंगे। मैंने आपको गणपति जी के बारे में बता दिया। हमारे साथ में हैं राज श्रीवास्तव जी और वशिष्ठ जी, ये सब ताल सुर और ताल और संगीत से लय बांधेंगे। लय बांधने से क्या होता है कि जो शब्द है, शब्द में एक लहर आ जाती है। शब्द क्या है? गणपति पापा मोरिया। परंतु जब इसको हम सुर में बोलते हैं तो यही हमारे शरीर को आलादित कर देता है। तो हमारे साथ में है राज श्रीवास्तव जी और मुझे नाम नहीं है इनका, राजेश, ये भी राजेश, ये घर की फैमिली इनकी, आपको पता है सब, सभी भजनीक हैं, सभी भजन करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो सभी सब भजन करेंगे। और छोटा सा इनका पोता भी है, वो भी भजन करेगा। परंतु आप सब हमारे सब में मिलकर, मैं और आप, हम मनते हैं और हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने से मैंने आपको अभिप्राय बता दिया कि कीर्तन से जल्दी सिद्धि मिलती है। कोई काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा हो तो घर में कीर्तन करा लो, तो एकदम काम सिद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा बड़ा आजकल जरिया है, घर में कीर्तन करा लो। जिनके घरों में कीर्तन होता है उनके यहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने आप ही झलकती हैं। ये हम देखने में अनुभव है। और मैं खाली फालतू बात नहीं बोलता, आजकल सबसे ज़्यादा जो कीर्तन के प्रचलन है। और कीर्तन क्या होता है कि छोटा बच्चा भी अभी हम बोलेंगे तो भी उछल उछल के गणपति पापा गणपति पापा बोलेगा, और इसी का इसी को आनंद कहते हैं और इसी को कीर्तन कहते हैं। राज श्रीवास्तव।